मेरा पहला क्वेश्चन है आज तुम्हारे को, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सा है? सर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो जो सारे यूरोप के ऊपर है ना, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। तो कंट्री का नाम बोलो ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री फेमस क्यों है एजुकेशन के लिए? तो स्कैंडियन कंट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल हैव वेरी वेरी गुड हॉस्टल सिस्टम्स, और जो नॉर्दर्न यूरोप के सारे जो कंट्रीज है वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अभी स्कैंडिनेवियन में स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, आइसलैंड आता है, स्वीडन, फिनलैंड आता नॉर्वे, है, अर्थ फिनलैंड। आता है। फिनलैंड गाय के लिए फेमस है, फिनलैंड गाय के लिए फेमस नहीं है। पता उधर और है, और एरन और है उधर सर। अरे यार मेरे भैया आकाश, याद रख, फिनलैंड इज वेरी फेमस फॉर एजुकेशन। टीचर्स आर वेरी वेल पेड, स्टूडेंट्स आर ऑल पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक, देयर इज नो एंग्जायटी डिप्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स इन फिनलैंड। द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू नेम एनी कंट्री, इट इज फिनलैंड। यू सर हैव टू को टेल मी क्यों व्हाई, यू हैव टू टेल मी व्हाई। अपन ये करते हैं ना, पोर्शन उनका ही ले लेते हैं तो उधर स्टडी को। मेमोरी बेस्ड सिस्टम नहीं रहता, हाँ तो वो लोग तुम लोग को स्किल फिनलैंड के बेस्ड बारे में ये मालूम है ना, करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एजुकेशन उधर। सिस्टम सर अच्छा क्यों है? फिनलैंड सर उधर वो में स्किल बेस्ड नॉर्दर्न लर्निंग लाइट भी लेते हैं। फेमस है, हाँ फिनलैंड और नॉर्वे में। तो वही पूछा तुमको, क्यों तुमने कुछ उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया? नहीं, रिसर्च नहीं किया सर, पर ये जो अच्छे अच्छे लोकेशन है वो सारे जानता हूँ, इसलिए हर बात करता फिनलैंड भी अच्छा है और नॉर्वे भी अच्छा है। उलट दे आर बेस्ट हूँ। प्लेसेस तो टू सही है, विजिट जबरदस्त है। विजिट मोर ब्यूटीफुल देन स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड। या गूगल इट, ओके। नॉर्दर्न यूरोप है, स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कल्चर एंड लिंग्विस्टिक टाइस। लिंग्विस्टिक ये लैंग्वेज का एडजेक्टिव है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्टूडेंट्स, द मेजोरिटी नेचुरल लैंग्वेज ऑफ दिस थ्री बिलोंग टू स्कैंडिनेवियन डायलेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्टिनम? इसका मीनिंग देखो ना, कॉन्टिनम, CONTINOOM, व्हाट आर दे, व्हाट इज कॉन्टिनम? एक मिनट, एक मिनट, ठीक है बच्चे लोग, ये आर्टिकल्स 12 to 35 याद है कि सबको? आर्यन सिंचकर, आर यू देयर? कंटिन्यूअस सीक्वेंस इन व्हिच एडजेसेंट एलिमेंट्स आर नॉट परसेप्टिबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आर्यन जरा, वेरी गुड, आवाज नहीं आता उसका। चलो तो नेक्स्ट 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 सेट। हेलो सर, हाँ किधर है तेरा, आवाज आरआईएमसी नहीं आ रहा सर है। 8 स्टैंडर्ड में दे सकते हैं हाँ क्या सर? आरआईएमसी 8 स्टैंडर्ड में दे सकते हैं सर? दे देते हैं, उतना एज एज का देखना पड़ेगा। सोनाली मैम से बात, छोड़ उसको, दे तू इधर देख। हाँ पढ़ना प्रद्युम्न, यस सर। रीड कर ये क्या लिखा बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट आर आल्सो रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution guarantees the right of individual against the state as well as against other individual. है। The sixth right recognized by the Indian Constitution. हंस श्रीराम, आज आपने जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का बताया ना, उसको अपन सट्टे का नाम कॉन्टिनम दे सकते क्या? पास्कल ट्रायंगल का जो सट्टा है उसको अपन नाम कॉन्टिनम दे सकता क्या? हंस, अ कंटिन्यूस सीक्वेंस इन विच एडजेसेंट एलिमेंट्स आर नॉट परसेप्टिबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट द एक्सट्रीम्स आर क्वाइट डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनम। सर कुछ बोल रहा नहीं अंश, खाना खा रहा? चलो आगे बढ़, इसके ऊपर क्या बात करेगा प्रद्युम्ना? रुक 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 रुक, बैक बैक जा, बैक जा, बैक जा। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स मतलब ये पढ़ के ऐसा तो समझा है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडिविजुअल को एस बेसिक्स राइट्स दी है टू इसका मतलब क्या होता है? कॉन्शियंस। देखो अगर एक बहन आइलैंड पे रखा और आइलैंड पे कोई रूल नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक आदमी जा रहा है तो उसका मर्डर करेगा क्या? तू नहीं क्यों नहीं करेगा?
वो मर्डर करने से देखो कौन रोकता है सर कॉन्शियंस मतलब अपने कॉन्शियंस इज मॉरल सेंस यस सर मॉरल सेंस जो ह्यूमन बीइंग्स में रहता है सर हां तो ये कॉन्शियंस तुमको प्रिक करता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है सर कॉन्शियन कॉन्शियंस आपको बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं आप कभी गलत करके देखो ना तो आपका दिल बोलता है नहीं मैंने गलत किया यस सर जो करप्टेड जिसके घर में मेरे क्लास में एक बच्चा था मैं नाम नहीं लेता तो वो बहुत होशियार था तो मैंने बोला आपको क्या बनना है तो बोला मुझे सिविल इंजीनियर बनना है तो मैंने उसको पूछा सिविल इंजीनियर क्यों बनना है बोला डैड मेरे सिविल इंजीनियर है और बहुत पैसा आता पीडब्ल्यूडी में करप्शन आता तो फिर मैं पहले बहुत लेक्चर में सारी चीज मैं ही पढ़ाता था ना मैथ्स के अलावा भी मैं पढ़ाता था तो मेरे लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुआ और फिर मैं हलाल और हराम की बात करता था जनरल में कि अगर हराम खाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है और उसके मैंने उसको एग्जाम्पल देके समझाया तो वो बच्चा उसके डैड ने बहुत फोर्स किया लेकिन वो नहीं जॉब किया तो उसके डैड ने उसको सुन के उसने करप्शन छोड़ दिया तो कॉन्शियंस वो चीज है जो आपको एहसास बोलते हैं आपका जमीर राइट जमीर आपका इनर थॉट्स जो आपको बोलता है कि मैं गलत कर रहा हूं यस नेक्स्ट स्लाइड यस एजुकेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रिलीजन स्पीच इंफॉर्मेशन प्रेस थॉट अब इसको एक एक वर्ड ऐड करो ना एजुकेशन कैसा होना चाहिए तुम्हारा हाउ शुड बी द एजुकेशन लिखो टाइप करो इनोवेटिव सर एजुकेशन मींस नॉट ओनली इनोवेटिव बट एक्साइटिंग चाहिए अगर नहीं व्हाट आई एम राइटिंग यू टाइप अभी मैं ही बात करूंगा क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम रहता थॉट को लिखो थॉट प्रोवोकिंग थॉट को लिखो थॉट प्रोवोकिंग और एक वर्ड यूज करता है बहुत गंदा वर्ड यूज करते हो लोग नहीं यूज करना चाहिए यू नो प्रेस के बारे में ना इम्पार्शियलिटी बहुत होना चाहिए और जो प्रेस इम्पार्शियल नहीं है ना उसको लोग प्रेस्टिट्यूट्स बोलते हैं कैन समबडी राइट प्रेस्टिट्यूट्स सॉरी आई एम यूजिंग अ वेरी बैड वर्ड बट देन दैट इज अ वर्ड कॉमनली यूज फॉर पीपल who are not Faizan it's not what you have written is wrong I'm talking about prostitutes yeah and information kaise hona chahiye information mein content delivery hona chahiye which is very important bahut information hai mere kaam ka nahi hai kuch fayda nahi hai nafe wala ill bahut important hai speech speaker speak स्पीकर नाउन है स्पीच डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रेस्टिट्यूट अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन इन पावर हु सेल्स आउट फॉर सम पर्सनल गेन बिटरिंग हिज और हर सपोज्ड आइडियल्स उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं पावर करप्ट्स एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली कैन समबडी राइट दिस फ्रेज पावर करप्ट्स एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पीच में बोलो ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर स्पीच हम क्या बात करते हैं ना उसको बहुत सोच समझ के बात करना है भगवान ने हमको एक मुंह दिया और दो कान दिया कोशिश ये करना सुनने का और बोलने का कम जब भी हम बात करें ना इट इज गोल्डन टू बी रिमेनिंग साइलेंट ना ऐसा कुछ प्रोवर्ब है साइलेंस इज गोल्डन ये बात करते तो बहुत सोच समझ के बात करें रिलीजन रिलीजन बहुत पर्सनल होना चाहिए राइट डाउन रिलीजन पर्सनल होना चाहिए मूवमेंट मूवमेंट जो मैं हमेशा बोलता गांधी जी के जैसा वॉक द टॉक में गांधी जी ने मास मूवमेंट दिया प्लीज राइट वॉक द टॉक जितना मूवमेंट और डेलीगेशन होगा और मास मूवमेंट होगा ना उतना इजी होगा वॉक द टॉक नहीं वॉक द टॉक या और एसोसिएशन हम उनके कौन बात कर रहा है प्लीज इफ समबडी इज टॉकिंग निखिल नेवरे बात करता तो बाहर एसोसिएशन हमारा जो है ना छोड़ दो डिस्टर्ब हो जाएगा एसोसिएशन जो है ना वो कभी भी एसोसिएशन कोलैबोरेटिव होना चाहिए राइट देन कोलैबोरेटिव एसोसिएशन कोलैबोरेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूं अभी कॉम्पिटिटिव का जमाना गया कोविड 19 के बाद कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
जैसा स्टार्ट फ्रॉम शेयरिंग द रिक्शा, बहुत लोग का पैसा बचेगा. तो ये कोलैबोरेटिव एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर कोविड-19. एस्पेशियली कोलैबोरेटिव मतलब वो बाद में बताऊंगा मैं. कौन है सिद्धेश? कोलैबोरेटिव तो गूगल करना, मैं अभी उसमें बताने जाएगा ना तो मेरा टाइम कम होगा, कंटेंट डिलीवरी कम हो जाएगा. प्लीज तू लिख ले, बाद में तेरे क्लास में पूछ. ओके अभी सिर्फ सुनना, या कोलैबोरेटिव का तो गूगल से मीनिंग ढूंढ. और लास्ट क्या रहेगा, असेंबली. असेंबली के लिए क्या वर्ड यूज करेगा, मैं वो बता रहा था. शेयर रिक्शा भी वो कोलैबोरेटिव होगा. कोविड-19 जो है ना, वर्ल्ड सफर्ड एन इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1929. प्लीज राइट दैट डाउन. वर्ल्ड सफर्ड एन इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929. आकाश धारवाड़ प्लीज टाइप. 1929 में वर्ल्ड में बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से हिटलर को चांस मिला था डिक्टेटर बनने का. हिटलर को, मुसोलिनी को और स्पेन का डिक्टेटर का नाम क्या, जनरल फ्रांको, अमर अकबर एंथनी. तीनों का नाम लिखो, हिटलर, मुसोलिनी और जनरल फ्रांको. इनको चांस मिला था. तो वो इकोनॉमिक जब डिप्रेशन होता ना, रोटी कपड़ा मकान मिलना मुश्किल हो जाता ना, तो लोग अपने जमीर को भूल जाते. सबसे ज्यादा चोरी चपाटा अभी होगा कोविड-19 के बाद, क्योंकि लोगों को जब खाने को नहीं मिलेगा तो चोरियां करेंगे. तो असेंबली के बारे में बताओ, व्हाट इज द एपिथेट दैट आई शुड यूज. एनीबॉडी यू नोस व्हाट डू यू मीन बाय एपिथेट. आई एम टीचिंग इंग्लिश. कैन समबडी राइट ट्रांसफर्ड एपिथेट. कैन समबडी राइट ट्रांसफर्ड एपिथेट फॉर मी. राजपूत क्या चालू हो गया भैया. ट्रांसफर्ड एपिथेट एक फिगर ऑफ स्पीच है. एपिथेट का स्पेलिंग रॉन्ग है वैभव. मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ और लिख रहे हैं मेरे बात को. जहां इसका भी स्पेलिंग रॉन्ग है. अभी अभिनव शिंदे ने राइट लिखा, लेकिन उसमें एक आर कम है. देवानंद बदर तेरा राइट है. ये फिगर ऑफ स्पीच है. क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच बच्चे लोग? इफ समबडी कैन राइट व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहा मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज. फिगर ऑफ स्पीच में ट्रांसफर्ड एपिथेट है. एडजेक्टिव को ट्रांसफर करते हैं. ऐसा मैं बता कि असेंबली के लिए कोई कोई बताएगा असेंबली के लिए कोई एडजेक्टिव. हर एक के लिए मैंने बताया. यस रेडिकर वापस ट्रांसफर्ड एपिथेट का स्पेलिंग देखो. असेंबली कैसे होना चाहिए? असेंबली ऐसा होना चाहिए जो फोर्टिफाइड असेंबली हो. फोर्टिफाइड थॉट प्रोसेस में फोर्टिफाइड हो. कैन यू राइट समबडी फोर्टिफाइड? या कलेक्टिव डिसीजन इज लाइक अ फोर्टिफाइड फोर्ट. देखो जहां पे भी गैदरिंग हो गया, असेंबली हो गया, वहां पे रेवोल्यूशन हुआ. कैन यू टेल मी ऐसा कहां पे गैदरिंग हुआ और वहां रेवोल्यूशन हुआ? कोई बताएगा? समबडी राइट टेनमेंट स्क्वायर. मत जा रहे आगे. कवाली टैंक. समबडी राइट टेनमेंट स्क्वायर. लिखो टेनमेंट स्क्वायर. सर टेनिस कोर्ट होता. टेनिस कोर्ट में हुआ था. आकाश अरवान कहाँ का टेनिस कोर्ट था? बॉस्टन डी 5D बेस्ट स्टाइल में. जलियांवाला बाग मैसेकर. सर 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 गवाली टैंक. वो टेनमेंट स्क्वायर का स्पेलिंग रॉन्ग है. क्या हुआ था वहां पे? कौन बताएगा? कहा सर? और कोई? ये टेनमेंट स्क्वायर भी रॉन्ग है. एनीबॉडी एल्स? व्हाट हैज हैपेंड इन टेनमेंट स्क्वायर में? क्या हुआ था? और ये मैं टेनमेंट स्क्वायर के जो हाँ गवली टैंक में क्या हुआ था? प्रदीप पवार गवली टैंक में क्या हुआ था? देखो ये रेडेकर ने बराबर लिखा. ये जो टेनमेंट स्क्वायर जो हुआ वो कहाँ है एस रेडेकर? और वहां पे क्या हुआ था? फोर्थ मैसेकर क्या था? चाइना ने कम्युनिज्म लाके क्या किया? हाँ मेनलैंड चाइना क्या ऑपोजिशन था? कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा ये? ऐसा पहली बार हुआ सर? ऐसा पहली बार हुआ है. गवली टैंक में क्या हुआ था? हांगकांग का जो रिवोल्ट हुआ वो कौन सा स्क्वायर है? वो कौन सा जगह है? तुमने जो रंग दे बसंती पिक्चर देखा ना, तो वो पिक्चर का दिल्ली में उसका ऑपोजिशन हुआ था. वो कौन से दिल्ली में कहां जाके बैठते लोग कैंडल जलाए थे? वो जगह किधर है सर? कौन सा पिक्चर?
रंग दे बसंती, वो पिक्चर में दिखाया था कि दिल्ली में एक जगह जाके कैंडल जलाते हैं, अपने मिग क्रैश होते हैं, मिग MIG मिग लिखो, कौन सा मिग क्रैश होता है? इंडिया गेट क्यों फेमस है? कौन सा मिग क्रैश हो रहा था उसके ऊपर वो पिक्चर बना? गौली टैंक पे हुआ था, करो या मरो। गांधी जी से जैसा आदमी जो नॉन कोऑपरेशन चौरी चौरा में एक सादे इंसिडेंट की वजह से चौरी चौरा में कर लिया, उसके बाद जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट निकाल दिया, वो आदमी ने बोला करो या मरो, सोचो तुम जरा। वर्ल्ड वॉर वन में 80,000 सोल्जर्स का डेथ हुआ। वो जो आर्किटेक्ट जिसने बनाया उसका नाम एडविन ल्यूटेंस। कैन यू से समथिंग मोर अबाउट एडविन ल्यूटेंस? अरे नहीं दिखाना, जरूरी थोड़ी है, इसी पर बहुत बात करने वाला, मैं आगे जाने वाला ही नहीं। फाइनल बहुत है बात करने के लिए, इस पर मेरे को जब चैट दिखा तेरे बस चले। नहीं दिखा मेरे को बस। अरे सर इस पे नहीं, फिर ये साइन नहीं होगा। ओके पढ़ के दिखा मेरे को। कुछ भी ओपन किया था इस पे? हाँ, एडविन ल्यूटेंस, एक मिनट छोड़। हाँ, और वो दिल्ली में ल्यूटेंस का नाम से एक स्ट्रीट है, और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कभी भी उसके बारे में बात करते कि दिल्ली में जो पावर स्ट्रगल है ना, मैंने एक तुमको डायलॉग भी बोला था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो वो जो दिल्ली में जो पावर जो बिकता है, या पावर बिकता है या पावर में जो डील्स होते हैं वो उसी एरिया में होता है, उसका नाम क्या है उसका? वो वर्ड भी ल्यूटेंस से जाना जाता है। हाँ, ल्यूटेंस दिल्ली, जहां पे सब ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। और वो एरिया ही कंट्रोल करता है पूरा इंडिया में। और पता है तुमको जितना, उसके बाजू में एक जगह है गुड़गांव, जो अभी नाम चेंज किया गुरुग्राम, गुड़गांव लिखो। सारे फ्रेंचाइजी और सारे में ना, हाँ, सारे जो बिजनेस रिलेटेड थिंग्स होते हैं ना, गुड़गांव से होता है। Yeah, it was known as Viceroy's house. See, now our topic today is, I'm talking about walk the talk. मैं mass movement की बात कर रहा हूँ। दांडी मार्च एक mass movement था। Tiananmen Square के बारे में तुमने बताया नहीं। अभी अपना आज का टॉपिक वो है। मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ। इस्तिमाइयत, भगवान के ताकत के बाद कोई दुनिया में ताकत है ना, वो इस्तिमाइयत है। यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्रोटेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहां का प्रोटेस्ट हुआ था जहां पे इस्तिमाई शक्ल दिया गई प्रोटेस्ट को? नेम द प्रोटेस्ट। हाँ, तुम, मैंने मिक के बारे में पूछा, तुमने वो मिक का नाम भी नहीं बताया। मैंने वर्ल्ड सफर्ड एन इकोनॉमिक डिप्रेशन बोला, तुम उसके बारे में बताया नहीं। 1929 डायलॉग लिखो। हाफ ऑफ द यूथ वॉज अनएम्प्लॉयड। 90,000 लोगों को लेके जर्मनी ने, हिटलर ने अपने उनको यूनिफॉर्म पहनाया, 90,000 सोल्जर्स को। द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल क्रैश्ड। लिखो जरा ये सब, लिखो चैट बॉक्स में लिखो। व्हेन वर्ल्ड सफर्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1929, उसको गूगल करके देखो। द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल डिक्रीज्ड, हाफ ऑफ द यूथ वेर अनएम्प्लॉयड, prices crashed in the world market. हाँ, और एक बात बताता तुम को। हाँ, मिक का नाम नहीं लिखा तुमने। तुमको मालूम है क्या हुआ? अमेरिका में वीट था, वीट, पता नहीं तुमको ये याद है क्या? अमेरिका में वीट का ग्रासलैंड से ना, मतलब पूरा ट्रैक्टर पे वीट बनाते हैं ना, वीट के बड़े बड़े रैंचेस है, और अमेरिका के फार्मर्स
हॉलीवुड के लोगों से भी ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, और वहां पे उन्होंने जो वीट बनाया था ना, वो वीट को डंप करते थे सी में, क्योंकि मार्केट में भाव कम हो गया। जैसा टमाटर रोड पे फेंक देते ना 2 रुपए में, टमाटर रोड के ऊपर फेंक देते थे, वैसा उन्होंने डंप किया उसमें का खराब क्वालिटी का जो यह है ना वीट, वो इंडिया में आया, उससे एक सीड आया या एक पेस्टिसाइड आया, जिससे वो झाड़ बना ना, जिसको कांग्रेस का झाड़ बोलते हैं। कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? सर पहली बार। वो खराब क्वालिटी का वीट सर, आया पहली बार 17-18 सालों में। सब समझना चाहिए। हाँ सर 17-18 सालों में पहली बार। हाँ सर फर्स्ट टाइम। मिक के बारे में तुमने बताया नहीं मेरे को, वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक 1927 बताया नहीं मेरे को, और कहाँ पे असेंबली हुआ था जो फेमस है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान, इसने क्या किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सबसे पहले बगावत करने वाला कौन था? उसका नाम क्या था? सिपाही म्यूटिनी क्या था? क्या नाम था उसका? उसको बोला पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको सपोर्ट किया। वो नेवी म्यूटिनी हुआ था, नेवी म्यूटिनी। वो नेवी म्यूटिनी क्या है? बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में 1946 में हो गया था। वो देख के ब्रिटिश को लगा भाई अभी छोड़ के जाना में अच्छा है ना, तो मर जाएंगे। मंगल पांडे ने भैया वो आदमी का नाम दूसरा कुछ है, मंगल पांडे। हाँ सर, हाँ। मंगल पांडे 1857 की बात कर रहा मैं अभी की बात कर रहा, 1946 की बात कर रहा। वो आदमी ब्रिटिशर्स के लिए काम करता था और उसको बोला भाई शूट करो, तो उसने शूट करने से रिफ्यूज किया। क्या नाम था उसका? नेवी म्यूटिनी में वैसा ही हुआ। नेवी म्यूटिनी में उन्होंने बोला हम लोग जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से करेंगे ना वही करेंगे। नहीं नहीं मेरे को बंदे का नाम बताओ जिसने बोला कि फ्रंटियर गांधी नहीं बता रहा मैं, वो हो गया फ्रंटियर गांधी हो गया। एक बंदा ऐसा था जो सबसे पहला रिवोल्ट था, तब ब्रिटिशर्स ने सोच लिया कि अभी हमको जाना पड़ेगा, उसको बोला कि इसको मारो, मारा नहीं उससे। उस बंदे का नाम क्या है? वॉइस तुम लोग रिलेट करो यार, तो मंगल पांडे 1857 की बात कर रहा, मैं 1946 की बात कर रहा। कोई रेजिमेंट का आदमी हो, लॉर्ड कैनिंग की बात ही नहीं कर रहा यार। शरद गांधी हो गया, उसके अलावा वो सब पीरियड में ना बाबू गेनू कौन था? जो टाइप करो देखो, बाबू गेनू क्विट इंडिया मूवमेंट में। मेरे पीछे कोई नहीं है भाई, मेरे पीछे कौन बैठेगा? अथर्व कोतवाड़े बैठे ले, क्या हुआ? अच्छा वीडियो चालू है क्या? सर आपने जो बोला ना वो बलूच रेजिमेंट का था। नहीं 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 बलूची रेजिमेंट का नहीं, और एक आदमी है। और फिर उसके बाद गोरखा रेजिमेंट को बुलाया गया उन्होंने। वो सब नहीं, और एक आदमी था जो फेमस था। सर पुणे में भी एक है बाबू गेनू। हाँ तो बाबू गेनू ने क्या किया? सर वो बायकॉट द ब्रिटिश गुड ट्रक के सामने कूद गए। हाँ ऐसा सोलापुर में भी होता। माणुंगे पडवल एक गांव है, मालूम किधर है? माणुंगे पडवल जुन्नर तालुका का एक गांव है। यस सर, सर माणुंगे। कौन है वहां का? राजगुरु का पूरा नाम क्या था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनमें राजगुरु का पूरा नाम क्या था? शिवम हरि राजगुरु। हाँ लिखो ना पूरा नाम, लिखो भगत सिंह का पूरा नाम, लिखो सुखदेव का पूरा नाम, लिखो
तुमने अभी तक मेरे को मिग का नाम बताया नहीं, कौन सा मिग है जो सबसे ज्यादा बार गिरा, क्रैश हुआ, बहुत बड़ा बवाल हुआ था? बाइसन क्या है? बाइसन, बाइसन क्यों बोल रहा हूं? के अलग अलग नाम होता है ना? नहीं नहीं तुम लोग रिपीटेटिव हो रहे बच्चे लोग. आई रिपीट टुडे व्हाट आई टॉट यू. सर मी 21. हाँ तो देखो ना उसके बारे में मेरे को बताओ, उसका हिस्ट्री बताओ. 210 बार क्रैश हुआ है. कितने बार क्रैश हुआ है? 21 इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग कॉफिन. 210. हाँ फ्लाइंग कॉफिन किसको बोलते हो बताओ ना, फ्लाइंग कॉफिन किसको बोलते हैं? और वो जो इंसिडेंट जो आमिर खान ने उसको उठाया था, वो एक्चुअली कौन था जिसका जिसके मम्मी ने प्रोटेस्ट किया था इंडिया गेट पे? 2002 वाला क्या सर? हाँ जो फ्लाइंग कॉफिन था, बहुत सारा मिग गिरा ना, तो एक 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 पेरेंट्स ने उसको, ऑफिसर था उसको अपोज करने के लिए उन्होंने इंडिया गेट में बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था. जलंधर मिग क्रैश क्या? हाँ जलंधर मिग क्रैश क्या? मिग बहुत बार क्रैश हुआ, रशियन में मिग था. आप इंसिडेंट बोल रहे हो जलंधर में क्रैश का है क्या? नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, देखना पड़ेगा. बट इट हैज क्रैश कॉफिन, फ्लाइंग कॉफिन बोलते उसको. उसके बाद बहुत सारा बवाल बचा था. तो आई कंक्लूड टुडे व्हाट एवर थिंग्स आई हैव सेड, आई विल रिपीट वंस मोर. मेरे को चाहिए था उस पर. देखो मैंने आज तुम्हारे से 10 चीजें बात की. द थिंग्स दैट आई रिंग कॉम्पोजिशन है. अभिनंदन ऑल्सो क्रैश फ्रॉम द सेम मिक क्या? मिक 21 ही है क्या? आई डोंट नो पता नहीं, बट यू फाइंड इट आउट. आई गेव यू हिंट. सो इन दिस हाफ एन आवर द थिंग्स व्हिच आई वांट टू स्पीक अबाउट इज, फर्स्ट आई स्टार्टेड विद एजुकेशन. स्कैंडिनेवियन एजुकेशन की मैंने बात किया और मैंने ये बोला आपको स्कैंडिनेवियन एजुकेशन इंडिया में लाना चाहिए. फिनलैंड प्रद्युम्न वाणी, मैंने बोला उसके ऊपर रिसर्च करो और उसके ऊपर पीपीटी बनाओ. प्रद्युम्न आर यू देयर? Second thing that I talk about. Thank you. Second thing. Yes, sir. Who am I? हाँ तो वो उसके ऊपर भरा ना देखो ऑफिस जरा. Yes, sir. Sir, पेशवा पे कौन बना रहेगा? Sir, आशीष पवन था क्या? Second thought process मैंने बोला thought provoking होना चाहिए. कोई लिखेगा provoke, provoke लिखने का time spelling wrong करते. Please somebody write provoke. PROVOKE होता है. हाँ और प्रोवोकेशन में के नहीं होता, सी होता है. आई प्रोवोकेशन लिखो, प्रोवोकेशन लिखो, स्पेलिंग देखो. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंग्लिश सीख रहा हूं. तो थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए जब भी हम बात करते हैं. प्रेस के लिए मैंने तुमको बताया प्रेस्टिट्यूट, और प्रेस्टिट्यूट का डेफिनेशन चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेस्टिट्यूट क्या होता है, वो नाम कैसे आया, टर्म किसने बनाया, वो टर्मिनोलॉजी क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में तुमको होना चाहिए. अपने आपको कभी बेचना नहीं बच्चे लोग, अपने आपको बेचेंगे ना तो फिर वो कोई वैल्यू नहीं रहा उसका, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आपको बेचना नहीं. इन्फॉर्मेशन मैंने बोला ना, इन्फॉर्मेशन कभी भी क्या होना चाहिए, कंटेंट डिलीवरी स्ट्रांग होना चाहिए. स्पीच जब भी बात करे सच बात करे, सच के सिवा कुछ नहीं बात करे. उसको सच बात करे को भी दिमाग चाहिए और वैसा दिल भी चाहिए और उसको डेयरिंग भी चाहिए. रिलीजन मैंने बताया पर्सनल है. मूवमेंट मैंने बोला ना तुम्हारे को कोई स्लाइड बनाएगा, कौन बनाएगा मूवमेंट? मैंने दो तीन मूवमेंट के बारे में बताया, गवली टैंक का बताया मैंने तुम्हारे को, टेनमेंट स्क्वायर का बताया. हाँ सर, हाँ सर, मास मूवमेंट मैंने बताया. और मास मूवमेंट बहुत हुआ चाइना में, बहुत उन्होंने ऑपोजिशन करने की कोशिश की. ऐसे बहुत कंट्री में मास मूवमेंट हुआ है, वो सब मास मूवमेंट को जमा करो. इससे पहले तो मैंने और एक बात बताया, बिट्रेल, दगाबाज, दगाबाज जो है ना, दगाबाज मास मूवमेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है. और मास मूवमेंट में मैंने तुमको और एक बात बताया, वॉक द टॉक. ये वॉक द टॉक क्या होता है, एक बहुत भारी एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस का और मेरा फेवरेट है, उनका नाम प्रभु है, टाइप प्रभु, PRABHU. फैंटास्टिक गाय, फैंटास्टिक जर्नलिस्ट, कभी सामने नहीं आता, उसको पूरा गूगल करो. इंडियन एक्सप्रेस का चीफ एडिटर था, इंडिया टुडे के लिए भी लिखता था और बहुत सही बंदा है, अपने आप को कभी बेचता नहीं है और जो है वो रोक टोक बोलता है. प्रभु चावला नहीं उसका नाम, कोई और नाम है उसका. वॉक द टॉक उसी ने स्टार्ट किया था.
वॉक द टॉक इसी ने स्टार्ट किया था, पूरा नाम देखो मिला तो अच्छा है, वॉक द टॉक प्रभु बोले तो मिलेगा नाम उसका। उसके व्यूज काफी इंडिपेंडेंट होते थे। एसोसिएशन मैंने बताया कोलैबोरेटिव होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम कोलैबोरेटिव नहीं रहेंगे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। और लास्ट मैंने बताया था असेंबली, असेंबली कैसे होना चाहिए बच्चों लोग, क्या बोला तुमको मैं असेंबली कैसे होना चाहिए? हाँ प्रभु ने सॉरी सॉरी शेखर गुप्ता देवराय सॉरी 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 कंफ्यूज था देवराय थैंक्स बॉय शेखर गुप्ता प्लीज गूगल शेखर गुप्ता एंड सी व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट इज। उसका पूरा तुम ये देखो बायोग्राफी देखो और उसने क्या क्या काम किया। वॉक द टॉक उसी की तरफ से था। गुप्ता जी बहुत अच्छे आदमी थे, अभी भी है। असेंबली के लिए मैंने क्या एडजेक्टिव यूज किया बॉयज, असेंबली के लिए मैंने क्या एडजेक्टिव यूज किया? फोर्टिफाइड होना चाहिए उसके अंदर, है ना। देखो कभी भी याद रखो, आम की टोकरी में अगर एक आम खराब रहेगा ना तो पूरा का पूरा आम खराब हो जाता। शेखर गुप्ता इज एन इंडियन जर्नलिस्ट, इंडिया टुडे ग्रुप का वाइस चेयरमैन भी है, नेशनल इंटरेस्ट लिखता है, इसको पढ़ो क्या लिखता, बहुत अच्छा लिखता, एंटिसिपेटिंग इंडिया भी लिखता, वॉक द टॉक भी इसका ही है। और बंदा जो है बिंदास्त है, बंदा ये बिंदास्त है। कल मिलेंगे सेम टाइम 9:30-10 एंड। थैंक यू बॉयज, थैंक यू सर, थैंक यू सर।